मध्य प्रदेश में किसानों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है। एक और जहां किसान कर्ज माफी नहीं होने से परेशान है, वहीं किसानों को पिछले कई दिनों से यूरिया की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। इधर कमलनाथ सरकार के मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि कर्ज माफी होगी, लेकिन कब तक प्रदेश के सब किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, इसका जवाब उनके पास नहीं था। और वो जो कतनी करनी में जैसे फर्जी काम नहीं है, कर्ज माफी कोई जरूरी हमारा वायदा था, लेकिन जो नहीं लिखा वायदे में वचन पत्र में कि हम एक महीने में करेंगे, जब पूरा तुम सफाया करके चली गई भाजपा, तब कहाँ थे नेता प्रतिपक्ष जब उन्होंने पूरा कर्जे में ला दिया प्रदेश को, करीब 18,000 करोड़ बिजली का बकाया छोड़ गए, ठेकेदारों से एजेंसी से काम कर नहीं कराया, 13,000 करोड़ उनके पेमेंट नहीं किया। तो इसलिए कर्ज माफी वचन दिया है सिर्फ मुख्यमंत्री ने, पूरा होगा। हम अभी करने वाले थे, बाढ़ आ गई, बाढ़ में करीब 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो पहले घर बसाना जरूरी है। जिन जो लोग घर बार हो बेकार हो गए इसलिए, और किसानों की फसलें चौपट हो गई, उनको भी पेट भरने के लिए इंतजाम करना है, इसलिए उसमें देरी हो रही है। जो वचन दिया था पूरा करेंगे और दिए जा रहे हैं तत्काल। मुख्यमंत्री जी ने 1-2 महीने में अभी मीटिंग ली थी व्यवस्था करके, किसानों के खाद का जो ऋण मुक्ति है उसका कई सहकारी संस्थाओं की पूरी करने का विचार है, 1-2 महीने वो होने की पूरी उम्मीद है। उसके साथ ही साथ किसानों के जो बोनस का बकाया है 1,550 करोड़ रुपए वो भी देंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में NFL का बड़ा प्लांट है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ राघोगढ़ से, वो गुना जिले में है, और विजयपुर में मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पे वो प्लांट है। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात का कि वहाँ प्लांट होने के बावजूद और उस प्लांट की उत्पादन क्षमता 7,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन है, यानी 24 घंटे में वो प्लांट 7,000 मेट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करता है। इसके बावजूद गुना जिले का किसान लाइन में लगा रहता है 4 बजे से, और उसको लाइन में लग के डंडे खाने पड़ते हैं, तब जाके उसको यूरिया मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पर हो रहा है, ये पहले भी होता था, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि, सरकारें सब मौन रहते हैं। आज मध्य प्रदेश में जो यूरिया का संकट है वो इस वजह से है कि NFL हो, क्रिप्को हो, इफ्को हो जिनको बढ़ावा दिया गया हो, चंबल हो, RCF हो, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी यूरिया उत्पादन कंपनियों के बावजूद भी यूरिया का संकट इसलिए गहराया क्योंकि मार्केट ने समय रहते भंडारण नहीं किया। जब आपको पता है, विभाग को जानकारी है कि समय रहते हमको भंडारण करना है, नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा यूरिया की किल्लत होगी, किसान को ज़रूरत पड़ेगी, तो समय रहते भंडारण ना करना कालाबाजारी को बढ़ावा देने का अधिकारियों का पुराना फंडा है जो बीती सरकारों में चला है, इस सरकार में भी चला है। बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।